अच्छा अगर आपके पास हाइलक्स से कंपेयर करें या फॉर्च्यूनर से तो स्पेस ज्यादा है काम में, स्पेस ज्यादा है फॉर्च्यूनर से, ज्यादा कंफर्ट भी ज्यादा है। यहाँ पे आपके पास आउटसाइड टेम्परेचर आ जाता है। अच्छा डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है। ये आपकी सर्फ है, ये चेंज लग रही है, से भी चेंज किया है, दिखाएं बताते हैं। तो ये सर्फ है बेसिकली 2003 से लेके 2009 तक आया। पहले आता था इसमें जो है ना, ये प्री फेसलिफ्ट आती थी, फिर फेसलिफ्ट आई 2005-06 में, पोस्ट फेसलिफ्ट वाली मॉडल है। इसकी ये जो चीज है ना सिल्वर, ये और ये हैंडल्स ना क्रोला के थे ना, खराब हो जाते थे, तो मैंने इन सबको जरा ये ब्लैक जो है ना पर्ल ब्लैक पेंट कर दिया, मैट ब्लैक बाय SSM। ये पर्ल ब्लैक है, इसके मीटर के साइड जहां जहां सिल्वर था ना सारा पेंट हो गया। एक और बीमारी इस सर्फ में भी है, प्राडो में भी थी, इनका जो होता ना डैशबोर्ड का पैड, ये खराब हो जाता है, ये क्रैक हो जाता है, ये चेंज हुआ है, जिसने भी किया उसने सही नहीं किया। देखो ना लेदराइट ऊपर लगाया, इसका नुकसान क्या होगा, एयरबैग ही नहीं खुलेगा ना, खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट होता तो, ये तो लेदर ऊपर लगेगा, तो ये गलत चीज है, इसको भी सही कराना है। बाकी इस गाड़ी की ड्राइव बहुत मजे की होती है। ये अचानक इमरान भाई आ गए और ये चुप क्यों रहे, अचानक आ गए, चुप गए, घूंघटे में चांद निकला। घूंघटे में कौन सा चांद निकलता है, पहले ये नहीं होता था कि सर्फ है और इसकी ये साथ मतलब हाइलक्स के ऊपर ही ये सर्फ हो जाता था। नहीं हाइलक्स के ऊपर नहीं होता सर। अच्छा, और इसकी वही मैं बता रहा हूँ कि इसका जो चेसी है ना, ये इसकी जो ड्राइव है वो बड़े मजे की और बड़ी स्मूथ होती है। इसकी एक और बड़ी खास बात है, इसका जो शीशा भी नीचे जाता है। अच्छा, अगर आप यहाँ से देखें, ये पीछे दिखाएं, सबसे पीछे शीशा भी नीचे जाता है और उसके साइड पे वो एक बड़े मजे के अंदर आपको मिरर भी नजर आ रहे होंगे जो की आपको कॉर्नर। ये सर तो ये नहीं, पीछे शीशा जाने का मकसद क्या है ये? ये मेरा ख्याल है ये अमेरिका में तो शिकार वगैरह और उसके लिए यूज होती है, मेरे हमारे में भी है वैसे। बट इस गाड़ी का जो है ना ड्राइव बड़े मजे की होती है, इसमें झूला बहुत मजे का है, इसकी ड्राइव बड़ी स्मूथ और कंफर्टेबल होती है, एट द सेम टाइम फ्यूल पे बड़ी गंदी होती है। प्राडो और इसके अंदर कई चीजें जो है सेम आती है। सो इंजन फॉर्मेशन जो इसमें 2700, 3000 और 4000 है, वो सेम प्राडो में भी इंजन आता है, वही इंजन एफजी क्रूजर में भी आता है, वही इंजन आपके जो है वीगो के अंदर भी आ सकता है। तो ये 3-4 मतलब टोयोटा ने क्रॉस लिस्ट की है अपनी ना इंजन जो है। इमरान की फेवरेट बेकरी लाहौर आ गई, बस मुझे इतना पता है। कौन सी? इसके अंदर नहीं है चीज, वो आ गई, तहजीब ढूंढ रहा है, इसके अंदर तहजीब नहीं है। और एक दफा नहीं है। अच्छा, जब हम इस्लामाबाद जाते थे ना, कसम खुदा की ऐसा भी हुआ है, जब हमने वो इलेक्ट्रिक मेहरान की थी ना, गाड़ी कोई और नहीं थी, हम वो मुझे याद है ईट्रॉन खड़ी करके आ गए थे चार्जिंग पे, ये और याया टैक्सी पे जाके गए हैं और पैदल वापस आए हैं तहजीब लेके। पूछे से मैं झूठ बोल रहा हूँ सर, क्या इतनी ही आपको राहत नहीं है? तहजीब के बगैर राहत नहीं मिलती आपको? राहत से राहत नहीं, इनका पहले तहजीब का कुछ और था। राहत था नहीं, राहत तो लाहौर वाली सर, राहत था उसका। नहीं था क्या, नाम पता था, तहजीब ही था, राहत का राहत अलग है, तहजीब से पहले का नाम था। अच्छा यार, आप बहस कर रहे थे, व्यूअर्स इसके कमेंट के नीचे बताएंगे तहजीब का पहले नाम क्या होता था, राहत ही होता था, और यही आपने तहजीब वालों को मुफ्त से मार्केटिंग दे दी, उन्होंने पैसे लगा लिबर्टी गोल्ड चिकन पूरा लाहौर लाल करता। तो बात ये हो रही थी कि हम खाने की तलाश में निकले आज, हम हमेशा जब भी निकलते खाने की तलाश सर, खाने की तलाश से पहले इसके लिए सर्फ बहुत ज्यादा नजर आता था क्या सर? बहुत ज्यादा नजर आता था और बहुत अच्छी वैल्यू में मिल जाता था। जब ये मुझे अच्छी तरह याद है 2005-06 में ये गाड़ी मिलती थी 30-35 लाख रुपए की, आज यही गाड़ी 70-80 लाख रुपए के दरमियान मिलती है। और ये मॉडल ईयर क्या है? 2005-06। 70-80 लाख रुपए का 5-6 सर प्राडो मिल जाता है, 250 cc मॉडल सर, प्राडो भी मिल जाता है इतने का, तो कई लोगों को कॉम्पैक्ट गाड़ी नहीं होती। प्राडो सर बहुत बेहतर है इससे, मतलब ऑब्वियसली है कि उसकी ये तो ऐसे ही लगता है जैसे हाइलक्स कोई छत लगाई हुई है पीछे। आपने अजीब सी बात कर दी, हाइलक्स को मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसकी ज्यादातर रिश्तेदारी जो है ना वो टकोमा से है, हाइलक्स से नहीं है सर। चले वही मतलब की डाले के ऊपर छत लगाई हुई है ना, टकोमा इस डाला सर। रेट क्यों इतना ज्यादा बढ़ गया, मतलब इसका कोई खरीदार तो नहीं होगा इतनी प्राइस पे? हर प्राइस तभी आती है क्योंकि खरीदार होता है मार्केट में, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आपने कितने का खरीदा? मेरी खरीद को छोड़ दें आप, मेरी बताएं ना, बताएं मेरे पीछे नैब नू पोना सर, बताएं ये बता रहे हैं। इस गाड़ी की जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है ना, वो इतने पैसों में किसी और गाड़ी में नहीं आती। अब एक काम करें, मुझे ये दे ना, मैं गर्दू जाना है फैमिली के साथ, तो फिर मैं और अगर रास्ते में बंद होगी, फिर बंद होगी तो आपकी हेलीकॉप्टर आपने जो है ना तो आपकी। यहाँ से इमरान वाली को लोकेशन भेजो एग्जैक्ट इस जगह की, हमने यहाँ पे यहाँ ये सुनील साहब का घर है, आप कोई भी आगे इनसे आके सेल्फी ले सकते हैं। अदबी मार्केट जा रहे हैं हम, अदबी मार्केट। हाँ, एक जमाने में सिर्फ यहाँ पे किताबें मिलती थी और यहाँ फिर अच्छा इसलिए नाम है गालिब मार्केट। नहीं नहीं, गालिब मार्केट वैसे नाम है, लेकिन यहाँ पे किताबों की बहुत बड़ी मार्केट किताबों की थी। अभी भी 3-4-5 दुकानें हैं इधर। एक वो चिकट छोले मिलते हैं बड़े बेहतरीन किस्म के, चिकट छोले तो भजन मिलते हैं मस्जिद शोधा के बाहर से सर। इधर भी यही मिलते थे मुझे याद पड़ता है, आज से 6-7 साल पहले। नहीं अच्छे थे। तो आपके टेस्ट बड्स खराब हैं, आपके शहर आओ तो आप कहते हैं कुछ। आपके शहर में खाने के चले खासियत बता दें। जहांगीर मुर पुलाव है वो अच्छा है, जहांगीर को पता है इस बात का? हाँ, चिनाब टिक्का है उधर, वो मजेदार है, वो उधर बारबेक्यू मिलता है जैसे फ्री मिल जाए। उसके अलावा बॉम्बे चपाती दुनिया का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट वहाँ। हाँ, ये अपनी मार्केट बॉम्बे चपाती सानों से लभ्या करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे शुरू हो जाएंगी अब दुकानें। कोयटा पराठा है,
ये गालिब मार्केट में व्यूअर्स आप भी बता देंगे 786 यहाँ से हम खाते थे, मुझे याद है। और अगले दिन पेट खराब हो जाता था ना। जो ये तो मेन मार्केट में बहुत अच्छे खाने वाली जगह है, गोल्डन है, रिजवान गोल्डन उधर चलते हैं। चैलेंज आ गया, क्या हमारे कार्ड में से सिर्फ इतने पैसे निकले हैं, 1500 ₹500 पर हेड है यार। तीन बंदे 500 में खाना नहीं खाते, मैं तो कहता 500 में तीनों खाते हैं आज। ₹500 में सर मतलब अच्छा, मैं मुझे चैलेंज देना है, ₹500 में तीनों खाना खिला सकता हूँ पेट भर के। आप समोसे खिला देंगे तीन तीन। तो देखिए मैंने लाहौर की कितनी जगहों पे आपको लेके गए, आप एक गंदे से क्या खाने लगे, चाउमीन खाने लगे थे सर। कुछ खुआ भी दियो ना, छली खा लेने सर। लो जी मेन मार्केट आ गई है यहाँ पे, अब आपको गाड़ियों की दुकानें मिलेंगी, यहाँ आपको खाने की दुकानें मिलेंगी, यहाँ आपको स्कूल की किताबें शिताबें मिलेंगी और यूज्ड फर्नीचर भी मिलेगा। तो गला ये क्या खाना बहुत अच्छा है, कल एक भाई फूड ब्लॉगर बता रहे थे खाएं। अब हमारे पास भाई जान ₹1500 का टारगेट है, हम सिर्फ रिजवान बर्गर ही जाएंगे। वीडियो चेक करें, उन्होंने माशाल्लाह कायम किया, वो देखें बैठो बैठो हुई भी है सर। ये आप इसको बदनाम करी जा रहे हैं। नहीं मैंने तो बंदे को कह रहा हूँ, बंदे ने किया, मेरी गाड़ी सर्फ भी आज ऐसी थी, मैंने सुबह आप आए थे तो मैं धो नहीं रहा था गाड़ी। वैसे सर्फ को तो किसी चीज की जरूरत नहीं, खुद ही सर्फ है। रिजवान बर्गर से आया बेटा, मेन्यू दे दे मेरा बेटा। फाइनली हम जो है वो खाने लगे हैं कुछ ना कुछ, मुझे लगा था मैंने गलती की है। इसके सर वो सैंडविच अच्छा होता है, जो क्लब सैंडविच होता है, वो दो मंगा लेते हैं, वो काफी पहले मेन्यू में देखे ना हमारी बजट के ऊपर मेनू की है, तो दो साइड सैंडविच आ जाएंगे, दोनों को देख लेंगे। मेनू चाइनीज है, बिरयानी है, रिजवान बर्गर, चीज सैंडविच, चिकन सैंडविच वाला, चिकन सैंडविच वो ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा वो चलता है, चिकन सैंडविच चलता है। चिकन सैंडविच करते हैं, आपने क्या खाना भाई? कुछ भी, एक कुछ भी कर दें, दो सैंडविच कर दें, दो सैंडविच पूरे हो जाएंगे, साथ फ्राइज भी होते हैं। हाँ, हाँ। फ्राइज साथ। बस ये ले आए फ्राइज आपके लिए, शादी कार्ड प्रिंट सर मेरी होगी एक दफा, दूसरी वाली की प्रिंट नहीं करा नहीं सर, मैं जो है एक दफा, वन लाइफ वन वाइफ। अच्छा इसमें उस जमाने में भी सारी चीजें आती है सर। सर 17 साल है अभी, अभी बच्चा होता, फुल दाढ़ी मूंछो वाला होता है। जो अंदर क्या है? ओ यार टोयोटा के जेन्युइन पार्ट्स पड़े अंदर। ये क्या इमरान भाई, ये ऑक्स काम करती है इसकी? सर ये तो वो मुस्लिम जावर वाली लग रही है। ये क्लच के बल्ली पैर खींचो जरा, किस तरह लाया सीधा करके पाए। और पीछे सर ये लेग स्पेस मेरा, पीछे भी सीट सर? नहीं पीछे सीट नहीं है, लगवा सकते हैं ना? नहीं 5 सीट नहीं, क्यों लगवा देंगे? इट्स 5 सीट ब्रो। अच्छा अगर आपके पास हाइलक्स से कंपेयर करें या फॉर्च्यूनर से, तो स्पेस ज्यादा है काम में? स्पेस ज्यादा है, फॉर्च्यूनर से ज्यादा, कंफर्ट भी ज्यादा है। यहाँ पे आपके पास आउटसाइड टेम्परेचर आ जाता है। अच्छा डिजिटल है, एनालॉग है, ऑटो एसी है ना? ऑटो एसी है, डिजिटल है सर। टेम्परेचर का है, डिजिटल है, सिंगल रूम। घी किस चीज का हैंडल है? ये बंद हो गया, ये खुल गया। इसके नीचे वो होता था कप होल्डर, वो गिरा होगा कहीं ना कहीं। सर ना खोले इफ यू कांट हैंडल इट। मतलब टू हार्ड टू हैंडल वाली बात है या टू हॉट टू हैंडल वाली बात है इमरान साहब? टायर इसमें बीएफ गुडरिच के टायर डले हैं और इवो कोर्स के रिम डले हैं। इवो कोर्स का जो रिम है वो इतना लाइट होता है कि गभी बड़ा होता है। कितने के हैं यार? बीएफ गुडरिच का एक टायर इस साइज का तकरीबन इस टाइम पे होगा, मेरा ख्याल है 80-90 हज़ार का एक टायर। आपने कब लिया? मैंने रजा साहब से उधार लिए हैं, उन्होंने खरीदे थे। अच्छा उधार, टायर कौन उधार लेता है? टायर तो खराब हो जाएंगे। रिम टायर का सेट मेरा ख्याल है ये होगा 10-12 लाख रुपए। ओह बड़े ज्यादा है वो दिए टिश्यू यार, इधर आओ यार। नो इशू। पैरी भाई है, पैरी भी है, पैरी पैरी सॉस, पैरी सॉस, केचप लिया है, अंडे वाला बर्गर खाए ना सर? मेरे लिए इतना काफी है ये। नहीं नहीं मैंने भाई सिर्फ एक ही इतना सा खाना है। अच्छा आप बिल नहीं ले रहे आपसे? बिल मैं दे रहा हूँ, आप दे या ना दे, मैंने कौन सा दे देना? पुरानी याद आता होगी, मजे का है सर ये, पहले भी मैंने बहुत खाया हुआ है। कितने नंबर देंगे सर? खाए नहीं है, खाके चेक करते हैं ना। हाँ जी मुंह में मत डालो। कैसे है नंबर देना सर? मैं फिर कहूँ अपने फोकस करूँ। डिपेंड करता है कितने का वैल्यू टू मनी लिहाज देगा। 550 का मुझे क्या है, पैसों के लिहाज है सर। पैसों के लिहाज ठीक है, पैसे भी सही है, पैसों के लिहाज भी ठीक है, क्योंकि ये दो बंदे खाते हैं तो दो बंदों के लिहाज से 250 रुपए पड़ रहा है ना। ठीक है, कितना बिल हो गया बेटा? ये हो गया 1250। ओए क्या कहा था मैं, हम इसमें खाएंगे। ये ले बेटा बहुत अच्छा था खाना, लेट ही है, भी ले ले बेटा। नो इशू, ले लो टिश्यू। ये भी ले ले बेटा, थैंक यू। वो देखिए आपकी वीडियो बना रहे हैं, हम भी इनकी वीडियो बनाते हैं। अब उनसे क्या वीडियो से वीडियो काट जाएगी, जिस तरह लोहा लोही को काटता है इस तरह तुम्हें भी गल कुत्ता काटेगा। इमरान मुझे तो एक ही नाम दिमाग में आ रहा है, क्या यैया के साथ लड़ाई होगी? अस्तगफिरुल्लाह, यैया को कुत्ता कह दिया, ये तो अब लाइव जाएगा, तो अब नहीं भी तो अब होगी, अब होगी, अब होगी। सर वेव कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं सर, वेव। स्कूल के अंडर एज ड्राइविंग कर रहे हैं आप, उसकी वीडियो बनाई। वालेकुम सलाम। एज क्या है सर जी? मेन मॉडल व्हीकल कौन सा है? आपकी एज क्या है? एज क्या है पूछे? आईडी कार्ड है, लाइसेंस है, सब कुछ है। दिखाएं दिखाएं सर, मान मेक मॉडल वेरिएंट क्या है बता दें गाड़ी का? सुजुकी है, ऑल्टो है, वेरिएंट VXR लगता है, DL लगता है।
ले कर है सर मेक मॉडल वेरिएंट बताए ना तो बता ना मुझे क्या पता गाड़ी का बताए ना अपनी गाड़ी का चले ओके निकले इससे पहले के पीछे वाले हमें गालियां दे आप क्या यार सड़क के सेंटर पे वीडियोस बना रहे हैं दोनों ये डिस्ट्रैक्शन है गलत है मैं तो गाड़ी से डिसाइड नहीं हो रहा तो आप ड्राइव कर रहे थे मैं तो कह रहा था प्लीज मूव प्लीज मूव हैं आप उनके ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम तो लाइसेंस चेक कर रहे थे ना कर लिया मीडिया वाले तो यही करते शबीर जाफरी तो आपको उम्मीद है पसंद आई होगी बर्गर विद सुनील सैंडविच विद सुनील डेली हम एपिसोड किया करेंगे लंच टाइम आप दोनों हम साए मुझे याद आया कैसे हाँ फैसलाबाद के वो चुनी उठ के एक ही लाहौर का बंदा इधर है लाहौर दा पावा सुनील लावा सर फैसलाबाद के लोग टैलेंटेड हैं जैसे नुसरत फतेह अली खान फरहान हुसैन अरे देखे ना लाहौर के टैलेंट देख रहे हैं वो देखे उनका टैलेंट लिखा हुआ यहाँ पर क्या करना माना है उनका टैलेंट ये आई समझ अच्छा ये कभी नहीं खत्म होगा अच्छा देखो कुत्ता कर रहा है बंदा पूछे वो अगला जो कर रहा है वो रुक जाएगा अजीब सी बात है समझ से बाहर है मेरे शायद क्यों इमरान साहब आपको भी रुके ये पढ़ के जी जी Only on Pump Fee.